हेलो थ्रिल फैमिली, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो। अगर आप सभी लोग बढ़िया होना भी चाहिए तो लाइक से सब्सक्राइब तुम लोग कर दो चैनल पे। ऑल्सो सब्सक्राइब का बटन है तो उसे प्रेस कर देना, और अगर सब्सक्राइब्ड है तो उसे छोड़ देना, फिर टच करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक के बटन को ऑब्वियसली प्रेस कर दो। कल बहुत ज़्यादा थक गया था तीन तीन वीडियो बनाने में भाई, तो अभी भी नींद आ रही है। ऑल्सो जबड़ा दर्द दे रहा है भाई, मतलब पता नहीं कितने घंटे मैंने कंटिन्यू बोला है। शायद 4 बजे से लेकर 11 बजे तक जागा हूँ मैं, कल 11:30 सॉरी। खैर छोड़ो, आ जाओ। आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके घर में खूब खुशियाँ लाए और सभी को हेल्दी और हैप्पी रखे। अब आते हैं अपन लोग पिछले एपिसोड पे। पिछला एपिसोड काफ़ी शानदार था, जहाँ हम लोगों ने देखा हुआ होता है कि जो यान आखिरकार फेंग जी को मारने के बाद जो स्टेयर्स होती हैं उनमें चढ़ना स्टार्ट कर देता है। बट इन स्टेयर्स में चढ़ना इतना भी ईजी नहीं था, क्योंकि हर एक स्टेयर में थी एक स्ट्रॉन्ग लाइटिंग वोल्ट और प्रेशर। बट ऑब्वियसली जॉन अपनी स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। दूसरे जी तो ऐसे चढ़ रही होती जैसे ये कुछ हो ही ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, फुल चिल तरीके से भाई। और बीच बीच में तो वो ऊपर चढ़कर जॉन की बाट देख रही थी कि अभी आएगा भी आएगा। लेकिन उसी टाइम पे हमने एक चीज और भी देखी हुई होती है, जो कि होती है लेई बाई। लेई बाई वही है जो जो यान के साथ बातचीत कर रहा था जब जॉन ने उन सभी लोगों को थंडर फ्लेम फॉर्मेशन में फंसा दिया था। तब जॉन ने जैसे अपना मार्क दिखाया था कि मैं डायमंड गॉड का रेइनकार्नेशन ऐसा वाला, साथ ही उसी के साथ एक लड़की भी होती है वल्करी। जहाँ पे लेई बाई कहता है ये लड़का सच में कुछ अनोखा है, जो देखकर वल्करी कहती क्या ही फर्क पड़ता है, ये बहुत वीक है। तभी लेई बाई कहता है ऐसा नहीं है, उस बंदे के पास थंडर क्रिस्टल है और हमें उसका वेट करना ही होगा, तो चलो वेट करते हैं। और ऐसे ही वे काफी सारी बातचीत भी करते हैं कि क्वीन ने ऐसा कहा है, क्वीन ने वैसा कहा है, क्वीन का ऑर्डर है। ऑब्वियसली मुझे लगता है एशियन टेम्पल क्वीन की बात हो रही थी और यो आयनिस की बात हो रही थी, तुम लोग को पता है। देन हम लोग देखते हैं जियो यान यहाँ पे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ 6500 स्टेयर्स पे आ गया होता है, लेकिन ऑब्वियसली ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। तो जॉन के पास जो 4000 पिल्स थी उन्हें 4 में कंडेंस करके जॉन स्वेलो कर लेता है। जॉन का जो थंडर सी होता है वो 40,000 तक पहुंच जाता है, लेकिन ऑल्सो ये अभी भी काफी नहीं था। तो जॉन फेंग जी की स्टोरी रिंग से मिली हुई 10,000 पिल्स को रिफाइन करके उनकी 10 पिल्स क्रिएट करता है और ले जी से कहता है इन्हें खाना सच में थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, और ऐसा कहते वो सबकी सब स्वेलो कर लेता है। जो देखकर ले जी तुरंत ही कहती है तुमने अभी तो कहा कि ये मुश्किल है, जिस पे जॉन स्माइल करता है और आंखें बंद करके कल्टीवेशन में बैठ जाता है। एपिसोड मैंने वही एंड किया था, तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जब जॉन अपनी फिजिकल पावर को बढ़ाने के कल्टीवेट कर रहा था और वाइट डिस्ट्रक्टिव हेवनली थंडर को पाने का एक मौका क्रिएट कर रहा था, उसी टाइम पे एक शिप वाइड में ट्रेवल करते हुए काफी सारी फिगर्स के साथ किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा होता है। तभी एक आवाज आती है यूएनएस हम कहाँ जा रहे हैं, और डेक पर करीब करीब एक सिल्वर कलर के कपड़े पहने हुए एक लड़की होती है जिसके कमर पर 3 नाइफ लटके हुए होते हैं और एक सुंदर पर्सन उसके बगल में खड़ा हुआ होता है। तभी वो पर्सन तुरंत ही कहता है आपने मुझसे 3 बार पूछा है जियांसू, आप इतनी ज्यादा एक्साइटेड कब से हो गई? और ऐसा कहते हो वो जो सेकंड योहानेस था ऐसा कहता है। साथ ही ऑब्वियसली कोई और नहीं बल्कि फाइटिंग गॉड अलायंस का सेकंड योहानेस बाई जिंगयू था, जिसने अपने हाथ में व्हाइट कलर का फैन पकड़ रखा था और व्हाइट कपड़े पहन रखे थे। उसके हाव भाव काफी ज्यादा शांत लग रहे थे, लेकिन उसकी बॉडी से जो किलिंग इंटेंट रिलीज हो रही थी वो काफी स्ट्रांग थी। तभी जियांसू तुरंत ही कहती है मैं बिना किसी ऑर्डर के आपके साथ आई हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मुझे आपसे तो पूछना ही चाहिए ना, क्या मैं आपसे इतना नहीं पूछ सकती? सती ओएनएस भाई जिंगयू का सामना करते हुए जियांसू बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती, ना ही हार मानती, बजाय इसके उसकी आईब्रोज ऊपर चढ़ गई होती है और कोल्ड इंटेंट उसकी बॉडी से रिलीज होती है। तभी भाई जिंगयू तुरंत ही कहता है आपको बस ये जानने की जरूरत है कि आप मेरे साथ किसी को भी मार सकती है, आपको एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही जियांसू के सवाल का सामना करते हुए भाई जिंगयू को नहीं पता था कि वो जियांसू से थोड़ा सा डरता था या फिर उसे डर था कि कुछ गलत होगा, इसलिए वो जियांसू का ज्यादा सामना नहीं करता और चुपचाप उसे बस कैजुअली समझा देता है। जब जियांसू ये सुनती है तो वो थोड़ा सा घबरा गई होती है और भाई जिंगयू को गहरी नजर से देखती है। वो जानती थी कि भाई जिंगयू भी एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है, तो साथ ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी, इसीलिए जो जियांसू थी अभी भी उससे सावधान थी। इसलिए जियांसू तुरंत ही कहती तो आखिरकार इस जर्नी को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? जो देखकर भाई जिंगयू तुरंत ही स्टार स्काई कंपास की तरफ देखता है। हालांकि फाइटिंग गॉड अलायंस के रिसोर्सेज काफी रिच थे, लेकिन गॉड ऑफ फाइटिंग अलायंस के पास जो आर्क थे वो फियरलेस आर्क के कंपैरिजन में नहीं थे, इसलिए इनकी स्पीड काफी कम थी। और इसके अलावा फाइटिंग गॉड अलायंस जो है वो ईस्ट एंड ईस्ट वाइड में है, जबकि डाउडी कॉन्टिनेंट वेस्ट वाइड में है। दोनों के बीच एक काफी लॉन्ग डिस्टेंस है, इसलिए भले ही आर्क अपनी पूरी स्पीड के साथ चले लेकिन अभी भी इसमें 100 साल से कम का टाइम नहीं लगने वाला था। हालांकि भाई जिंगयू यहाँ पे अपने फुल टारगेट के साथ कन्फर्म है, लेकिन ऑर्डर के तहत उसे पता है जो खबरें उसे मिली उस पर जियान की जो मौजूदा ताकत है उसके लिए कोई भी खतरा नहीं है। हालांकि लकीली फाइटिंग गॉड अलायंस डाउडी कॉन्टिनेंट से बहुत दूर है,
इसलिए जॉन को पर्याप्त टाइम मिल रहा था। लेकिन इसके बावजूद जॉन को नहीं पता कि डाउडी कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा खतरा डाउडी कॉन्टिनेंट के लिए आ रहा है और जॉन फुल इस चीज़ से बेफिक्र है। साथ यहाँ पे सभी को पता होना चाहिए कि फाइटिंग गॉड अलायंस के बैलेंस के तहत जहाँ एक बार योहाइनेस इसे लीड करते थे, फाइटिंग गॉड अलायंस के लाइनअप में किसी को भी या किसी भी स्ट्रॉन्ग पर्सन को लोअर रियलम में जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन आज का जो वैलेंस है वो पूरी तरीके से अलग है और फाइटिंग गॉड अलायंस ने हर एक चीज़ को अपनी तरीके से बदल दिया है। और फाइटिंग गॉड अलायंस जब भी किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को किसी भी लोअर रियलम की तरफ भेजता है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो इसे बैलेंस बनाए रखने के नाम पर सही साबित करता है और हमेशा ही रूल्स को तोड़ता रहता है। दूसरी तरफ अभी स्टेयर्स के बीच में जॉन क्रॉस लेग करके बैठा हुआ होता है और उसके चेहरे पर काफ़ी क्रूअल इंप्रेशन थे, लेकिन पावर और ऑरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। टेन स्ट्रॉन्ग थंडर गैदरिंग पिल को अब्सॉर्ब करना सच में काफ़ी डरावनी बात थी, लेकिन जॉन की फिजिकल बॉडी से झेलने में कैपेबल थी। साथ ही जॉन यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए डिवाइन सोर्स कोई पिल का भी यूज़ कर रहा था। हालांकि वैसे डिवाइन सोर्स कोई पिल के अंदर जो एनर्जी थी वो काफ़ी रिच थी, लेकिन जॉन अपनी सोर्स कोई का 10th पार्ट भी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा था। हालांकि लकीली ये सोर्स कोई पिल बर्बाद नहीं हो रही थी, बल्कि जिसे जॉन अब्सॉर्ब नहीं कर सकता था उसे डेमोनिक फ्लेम अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रही थी, ताकि अगर जॉन को कभी भी जरूरत पड़े तो वो इस पावर के साथ जो यान को स्ट्रॉन्ग कर सकती थी। साथ ही ऑब्वियसली आप लोगों को पता होना चाहिए 10 डेमोनिक फ्लेम एक स्टोरेज की तरह है जो कोई को अपने अंदर स्टोर करती है, और जितनी ज़्यादा कोई होगी जॉन उतनी बार उतनी ज़्यादा कोई को यूज़ कर पाएगा, जो कि जॉन के लिए कल्टीवेशन में एक अच्छा सोर्स था इन चीज़ों की कमी को पूरा करने के लिए। साथ ही जॉन को 6500 स्ट्रेस पे रुके वो काफ़ी लॉन्ग टाइम बीत चुका था। साथ ही इस लॉन्ग टाइम के दौरान जो लोग हार मानने को तैयार नहीं थे वे लगभग ट्राई करते हुए 6000 स्ट्रेस तक पहुंच गए होते हैं। जहां तक दो लोगों की बात थी जो जॉन से आगे निकल चुके थे और 7000 सीढ़ियों तक बढ़ चुकी थी, और जॉन को ये देखकर तगड़ा झटका भी लगता है। आखिरकार उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि कोई ऐसा पर्सन भी होगा जो वास्तव में उससे भी आगे निकल जाएगा। और एक बात तो साफ थी कि जो भी लोग 7000 स्टेप तक पहुंच सकते हैं उनके पास एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी होनी चाहिए और जो यान को छोड़कर यहाँ पे आए हुए सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन होने चाहिए। हालांकि जॉन के पास से गुजरते हुए इन लोगों ने जॉन के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचा था, लेकिन लेजी के कोल्ड किलिंग इंटेंट को देखकर इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने लेजी के खतरनाक अटैकों को देखा था। इसलिए भले ही उनके दिल में ये थॉट था उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए अंत में उन्होंने जॉन के कल्टिवेशन के खत्म होने से पहले पीक लेवल पर पहुंचने के बारे में सोचा था। उन्हें उम्मीद थी कि वो अभी भी पीक लेवल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन झेलना होगा। साथ ही उनकी स्पीड काफ़ी धीमी हो गई थी और 7000 स्टेप तक पहुंचने के बाद तो ये लगभग कछुए की तरह चल रहे होते हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। साथ ही उन दोनों लोगों को काफ़ी पसीना आ रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे उनकी पूरी पावर खत्म हो गई हो। साथ ही उनकी बॉडी में कितनी भी ऑरिजन कोई क्यों ना हो उन्हें मदद नहीं मिल रही थी, और अगर वो इन सीढ़ियों के पीक पर पहुंचना चाहते हैं तो उनके पास कम से कम इमॉर्टल पावर होनी चाहिए या फिजिकल बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, यही एक तरीका था। साथ ही लोग जोर जोर से सांस ले रहे थे और उनकी आंखों में साफ संघर्ष दिखाई दे रहा होता है, और जब वो पीछे देखते तो उन्हें एहसास होता है कि वो बहुत दूर चले गए थे, और ऊपर जब देखते तो उन्हें लगता है कि अब एंडिंग पॉइंट बहुत क्लोज है। साथ ही वो ये भी समझते थे कि अपनी प्रेजेंट टाइम की फिजिकल बॉडी के साथ वो पहले से ही उस प्लेस पर पहुंच चुके जहां पहुंचना इम्पॉसिबल था उनके लिए। दूसरी जॉन अपनी आंखें खोलता है और वापस व्हाइट फॉग को बाहर की तरफ फेंक देता है, और जैसा कि जॉन को उम्मीद थी कि जब जॉन अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था तो ओरिजिन क्विक के 10 पार्ट से भी कम पार्ट को जॉन ने अब्सॉर्ब किया था, लेकिन ये ओरिजिन क्विक काफ़ी रिच थी जिसकी ब्लेसिंग जॉन को मिली थी और उसकी फिजिकल बॉडी की भी उन्होंने मरम्मत की थी। साथ ही इसके साथ ही सोर्स क्विक को कंडेंस करते हुए कल्टिवेट करना ये जॉन के लिए दो तरफा प्रॉफिट था, लेकिन इसके बाद जो भी जो यान की जो क्विक सी थी आखिरकार 1.6 मिलियन तक पहुंच गई होती है, और जॉन के डबल स्टार सी के साथ मिलाकर जॉन के पास अब सोर्स एनर्जी 3.2 मिलियन थी। साथ ही जो यान के 5 स्टार फाइटिंग गॉड पर पहुंचने के बाद अब उसके म्यूटेटेड डबल सोर्स क्विक सी का जो स्ट्रॉन्ग पावर था वो सामने आ रहा था, और जॉन अब 5 स्टार फाइटिंग गॉड के इंटरमीडिएट लेवल पर था, लेकिन अपनी ओरिजिन क्विक फाउंडेशन के साथ वो वास्तव में 5 स्टार पीक लेवल के किसी भी पर्सन के साथ आराम से फाइट कर सकता था। और जैसे जैसे जॉन की पावर बढ़ेगी वो ना केवल अपने लेवल्स बल्कि क्रॉस लेवल्स भी फाइट कर पाएगा, और ओरिजिन क्विक के कंप्लीट सप्रेस पावर के साथ जॉन और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जहाँ तक जॉन की बॉडी के थंडर सी की बात थी तो इन थंडर गैदरिंग पिल को अब्सॉर्ब करने के बाद उसका जो थंडर सी था वो अपनी लिमिट तक पहुँच गया था। साथ ही इन 10 थंडर गैदरिंग पिल ने जॉन को पिछले सी के बाद 30,000 स्क्वायर मीटर तक और सी को इंक्रीज करने की इजाज़त दी थी, जिसके कारण अब जो यान का जो थंडर सी था वो 70,000 स्क्वायर मीटर तक पहुंच गया था। हालांकि जॉन अभी भी इसके लास्ट रिजल्ट से थोड़ा सा उदास था, क्योंकि जॉन ने स्ट्रेटजी बनाई थी
कि उसका थंडर सी कम से कम 80,000 स्क्वायर मीटर तक तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि यह केवल 70,000 स्क्वायर मीटर पर ही रुक जाएगा। इसलिए जॉन कुछ निराश दिखता है, लेकिन लेजी गुस्से में जॉन की तरफ देखते हुए कहती है, क्या आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है? आपके प्रेजेंट टाइम के फिजिकल बॉडी के ट्रेनिंग के स्पीड को देखते हुए ये पहले से इतनी खतरनाक है। हालांकि आप अभी भी इमॉर्टिलिटी से दूर है, लेकिन फाइटिंग गॉड के बीच में आपकी बॉडी अभी भी स्ट्रॉन्ग लोगों में रैंक कर सकती है। यहाँ तक कि फाइटिंग गॉड के 9 स्टार के भी कुछ लोग, मुझे डर है कि वो तुम्हारी फिजिकल बॉडी को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। हालांकि बेसिक जॉन को अभी भी अपनी फिजिकल बॉडी की सटीक समझ नहीं थी, वो बस महसूस कर सकता था कि उसका जो थंडर सी है वो और ज़्यादा थंडर वोल्ट्स को और लाइटिंग को कंडेंस करने में कैपेबल हो गया है। और लेजी द्वारा डांटे जाने के बाद जियोयान सिंपली स्माइल करते हुए अपने सिर को खुजलाता और कहता है, तो चलो अब ट्रेनिंग समाप्त हो गई तो ऊपर की तरफ चलते हैं। और जियान भोलेपन से स्माइल करता है और फिर सिर उठाकर 10,000 स्टेप्स के पीक लेवल को देखता है, और उसे अपने सिर के कुछ ही ऊपर दो फिगर्स दिखाई देती जो बहुत मुश्किल से ऊपर की तरफ जा रही होती है, और उनकी बॉडी से प्योर पसीना निकल रहा होता और खून की बूंदें भी। और जाहिर सी बात थी कि यहाँ तक पहुँच पाना उन लोगों का पहले से ही लिमिटेड पॉइंट था। साथ ही 10,000 स्टेप्स के नीचे काफ़ी सारी फिगर्स थी, उनमें से ज़्यादातर रुक चुकी थी, यानी कि वो अपनी लिमिट तक पहुँच चुकी थी, और सभी वहीं पर क्रॉस लेग करके बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि भले ही वो वाइज डिस्ट्रक्टिव हेवेली थंडर को ना पा सके, लेकिन इन सीढ़ियों पर बैठकर कल्टीवेट करना उनकी फिजिकल बॉडी के लिए काफ़ी बड़ी ब्लेसिंग है। दोस्तों यहाँ पे जॉन सीधा ही खड़ा होता है और फिर कदम उठाकर बिना किसी परेशानी के आगे की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। और 70,000 स्क्वायर मीटर के थंडर सी की पावर तो काफ़ी खतरनाक थी, जिससे जॉन की फिजिकल पावर के साथ भले ही वो 6 स्टार फाइटिंग गॉड का भी सामना करे, जॉन उसके खिलाफ आसानी से लड़ सकता था अपनी सोर्स क्विक का यूज़ किए बगैर भी। साथ ही 6 स्टार फाइटिंग गॉड के लिए भी जॉन को मारना बहुत मुश्किल होगा बिना किसी कंप्लीट रिसोर्सेस और कंपोनेंट्स या ट्रेजर्स के। साथ ही कई लोगों की नज़रों के नीचे जियोयान आगे पलक झपकते ही चलते हुए 7,000 स्टेप्स तक पहुंच गया होता, यहाँ तक कि दो लोग जो जियोयान से आगे निकल गए थे और रुक गए थे अपनी लिमिट पर, जब वो जियोयान को अपने पास से गुजरते हुए देखते तो घबरा गए होते हैं और उनके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही होती हैं, और वे दोनों ही लोग रिस्पेक्टेडली जियोयान को ग्रीट करते हैं। दोस्त अब जियोयान उनकी तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि जॉन के लिए उन लोगों से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए कुछ बेकार के रीजन और इफेक्ट की बात तो बेकार की ही थी। इसलिए जॉन ने उन्हें इग्नोर करने का फैसला किया था और जितना जल्दी हो सके पीक तक पहुंचने का, जिसके बाद जॉन कदम उठाते 8,000 स्टेप तक पहुंच गया होता है। हालांकि अब यह पहले जितना आसान नहीं था, लेकिन जॉन की स्पीड अब थोड़ी धीमी हुई थी, जिसके बाद जॉन सिर उठाकर अपनी आंखों को सिकोड़ लेता है। उसने देखा था पीक पर दो फिगर्स खड़ी हुई थी जो उसे ही घूर रही थी, जो देखकर जॉन कहता है, कोई पहले ही पीक लेवल तक पहुंच चुका है। साथ ही जॉन और लेजी दोनों ही चौंक गए होते हैं। तभी लेजी कहती है, उनके ऑरे को देखते हो, वो पहले से यहाँ पे सबसे स्ट्रांग लोग होने चाहिए और ताकत में आपसे और मुझसे भी आगे निकल चुके हैं। हालांकि लेजी के पास अभी केवल 5 स्टार फाइटिंग गॉड की ओरिजिन कोई है, फिर भी उसका जो फाउंडेशन वो इमॉर्टल लेवल पर है, इसलिए उसका जो सेंस और चीज़ों को फील करने या कि एज्यूम करने की स्ट्रेंथ है वो किसी से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी जॉन कहता है, क्या वो मेरा इंतजार कर रहे हैं? और भोएं चुड़ा लेता है, जो देखकर लेजी कहती है, लग तो ऐसा ही रहा है। जॉन को नहीं पता था कि ये दो फिगर्स कौन है, लेकिन वे उन दोनों को ही घूर रही थी, इससे थोड़ा सा उन्हें हेल्पलेस महसूस होता है। और जब जियोयान 9,000 स्टेप तक पहुंचता है तो अब पीक लेवल काफ़ी क्लोज था, और जॉन इन दो फिगर्स को देखता है तो एक ने ब्लैक कपड़े पहने होते हैं, और जब जॉन उसे थोड़ा सा देखता है तो वो थोड़ा चौंक गया होता है, क्योंकि ये ब्लैक फिगर थोड़ी सी मिस्टीरियस थी, लेकिन उसके साथ जो पर्सन था उसे जॉन जानता था, जिसने स्टार्टिंग में यहाँ पेंटर किया था, और उसका नाम जॉन को याद था, जो कि था लेई बाई। हालांकि नाम जॉन को थोड़ा सा नोन लगता है, लेकिन इससे लेई जी को भी बहुत डर लग रहा था, जिससे पता चलता है कि उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता और वो बहुत पावरफुल भी हो सकता है। साथ ही आखिरी 1,000 स्टेप्स पर यहाँ प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो गया होता है, और भले ही जॉन के पास 70,000 स्क्वायर मीटर का थंडर सी था, फिर भी इसने जॉन की स्पीड को धीमा कर दिया था, यहाँ तक कि लेजी की भी स्पीड थोड़ी धीमी हो गई थी। हालांकि जॉन धीरे धीरे चलता, लेकिन अब आखिरी 500 स्टेप बचे हुए थे, जिस पे जॉन दांत पीस लेता है और थोड़ा सा स्टेबल होता है। साथ ही पीक की दो फिगर्स की नज़रों में जॉन पीक लेवल पर पहुंच गया था और जोर जोर से सांसें ले रहा था। हालांकि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ा देना थका देने वाला था, लेकिन इसने जॉन की फिजिकल बॉडी को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया था। तभी आवाज़ आती है, बुरा नहीं लड़के, 5 स्टार फाइटिंग गॉड के साथ तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो, ये कुछ ऐसा है जिसे आसानी से नहीं किया जा सकता। और लेई बाई हंसने लगता है। दोस्तों जॉन काफ़ी ज़्यादा शांत होकर खड़े होने की कोशिश करता है और तुरंत कहते हैं, ये सिर्फ लक है, मैं किस्मत वाला था। दोस्तों लेई जी जो जॉन के पीछे थी वो बिल्कुल भी जल्दी में नहीं होती और आराम से ऊपर की तरफ आ जाती है, क्योंकि उसके लिए प्रेशर जॉन से बहुत कम था, या कहे तो ना के बराबर। साथ ही उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लावर जैसी लगती थी, लेकिन ऑब्वियसली ताकत के मामले में वो बहुत स्ट्रांग थी। तभी लेई बाई लेई जी को फिर से देखता है, और लेई जी को जानने के बाद अब उसके अंदर कोई भी दुश्मनी नहीं थी। साथ ही लेई जी लेई बाई को देखती है, साथ ही लेई बाई के एक्साइटमेंट को देखते हुए लेई जी अभी भी काफ़ी कोल्ड थी और कोई भी जवाब नहीं देती। तभी ब्लैक कपड़ों में जो वल्करी थी
वो तुरंत ही कहती, बकवास बात करना बंद करो, वैसे भी हमें काफी देर हो चुकी है। और लेई भाई के सुर को देखते हुए तुरंत ही उसे डांट देती है। और लेई जी और जोयान दोनों ने उस लड़की को देखा हुआ होता तो लेई जी थोड़ा सा घबरा गई होती है। साथ ही जान की आंखें भी बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। तभी लेई भाई तुरंत ही कहता, बुरा मत मानना, ये थोड़ा सा जल्दबाजी में और हमेशा अपने काम से काम रखती है। तभी लेई भाई जोयान की तरफ देखता है और तुरंत ही कहता है, ये केवल कहा जा सकता है कि आप बहुत लकी हैं और वॉइड डिस्ट्रक्टिव हेवनली लाइटिंग उनमें से एक है जिसके लिए आप यहाँ पर हैं। यह एक टाइम और प्लेस है, लेकिन वॉइड डिस्ट्रक्टिव हेवनली थंडर के अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ऐसा लगता है कि आपने इनका भी सामना किया है। हालांकि वॉइड डिस्ट्रक्टिव हेवनली थंडर को जीतना ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। हालांकि लेई भाई यहाँ पे बहुत कुछ बोलता है लेकिन जोयान कुछ भी नहीं और उसकी आंखों में केवल कमिटेड ऑरा होता है। तभी लेई भाई जोयान के पीछे लेई जी की तरफ देखता है और तुरंत ही कहता है, अगर नहीं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जिस जगह और प्लेस काफ़ी खतरनाक है लेकिन अगर आप डरते हैं तो वो हमारे साथ इंटर कर सकती है। और आखिरकार ये ब्यूटीफुल लड़की एक इमॉर्टल वॉरियर है इसीलिए उसे वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी जॉन तुरंत ही लेई भाई की तरफ देखते हुए कहता है, क्या केवल 3 ही लोग इंटर कर सकते हैं? और जॉन थोड़ा सा सीरियस होता है। तभी लेई भाई कमिटेड तरीके से कहते हुए कहता है, केवल 3 ही लोग। तभी जॉन कहता है, अगर ये बात है तो हम तीनों के बारे में क्या ख्याल है? और ऐसा कहते हुए जॉन उस ब्लैक लड़की को भी देखता है। हालांकि जॉन को उसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था ना ही जॉन इसके बारे में कोई इंटरेस्ट रखता था। दूसरा जोयान की बात को सुनकर लेई भाई दंग रह जाता है और इससे पहले कि लेई भाई कुछ कह पाता वो जो लड़की होती है तुरंत ही कहती है, ये इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मैं गारंटी दे सकती हूँ कि तुम बहुत बुरी तरीके से मरोगे। जो सुनकर जोयान उदास तरीके से उस लड़की की तरफ देखता है। तभी लेई भाई तुरंत ही कहता है, भाई मेरी बात सुनो, बुक्स टाइम और प्लेस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और वाइट डिस्ट्रक्टिव हेवनली थंडर के अलावा वहाँ ऐसे काफ़ी सारे एशियंट अवशेष है जो कि इमॉर्टल मॉन्स्टर वर्ल्ड के हैं और वे काफ़ी पावरफुल हैं और हमारी जर्नी का मोटिव एक झटके में उन्हें मिटा देना है। हालांकि यह ब्यूटीफुल लड़की एक टाइम पे एक इमॉर्टल थी पर ये अब नहीं है। साथ ही वहाँ पे खतरे अननोन हैं और आप केवल एक ही पर्सन को अपने साथ रख सकते हैं इसलिए लेई भाई सीरियसली कहता है। तभी जॉन कहता है, मैं वर्ल्ड डिस्ट्रक्टिव हेवनली थंडर को जीतने के लिए बाध्य हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। जॉन के जो वर्ड होते हैं भाई नॉन कमिटेड होते हैं, सीधी बात नो बकवास, और जब वो यहाँ तक आ ही गया था तो उसे आगे बढ़ना ही होगा। जो देखकर लेई भाई तुरंत ही कहता है, ठीक है अगर ऐसा है तो आप हमारे साथ आ सकते हैं, चिंता ना करें, अगर कुछ भी होता है तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। और ऐसे कहते वो एक स्माइल जॉन को पास कर देता है। दूसरा काले कपड़े पहने जो बलकरी होती है वो कोल्डली हल्का सा खर्राटा लेती है। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा था लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि जोयान के बारे में उसके दिल में कोई अच्छी इमेज है। साले यो हाइनेस है, वो पूरा हैवी जोयान रूलर पेट में उतार देगा। साथ ही उसके खर्राटे के साथ ऐसा लग रहा था कि जोयान जैसे कुछ ईगोइस्टिक हो। और इतना कहने के बाद बलकरी और लेई भाई अपनी हथेलियाँ घुमाती हैं और हथेली पे थंडर क्रिस्टल निकल आता है। जब जॉन ये देखता है तो थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी लेई भाई तुरंत ही कहता, मुझे याद है आपके हाथ में भी एक थंडर क्रिस्टल होना चाहिए, है ना? और ऐसा कहते वो जॉन की तब देखता है। जॉन भी थोड़ा सा रुकने के बाद अपनी हथेली से स्टोरिंग को स्लैश करता है और तुरंत ही थंडर क्रिस्टल बाहर आ जाता है। साथ ही जॉन चौंक गया था क्योंकि लेई जी ने उसे इसे रखने के लिए कहा था, उसे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में ये अजीब सा क्रिस्टल इतना ज़्यादा इफेक्ट रख सकता है। तभी वो तुरंत ही कहता है, जब एक बार धनुष से बाण चला दिया जाता है तो उस बाण का पीछे आना इम्पॉसिबल है। हम नहीं जानते कि इमॉर्टल मॉन्स्टर वर्ल्ड के एशियंट लोग अभी भी जिंदा है या नहीं, ना ही हम ये जानते कि वो कितने स्ट्रांग है, इसीलिए हम श्योर नहीं हो सकती कि खतना कितना ज़्यादा होगा। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हमें से कोई आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए आपको अभी भी इसका पछतावा हो सकता है। और ऐसे कहते हुए भाई बार बार सीरियसली जॉन की तरफ देख रहा होता है और जॉन को डराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जॉन कहता है, कोई अफसोस नहीं ले जी, जिया जेंगवी और डिंगू को प्रोटेक्ट करो, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहते हुए जोयान जिया जेंगवी और डिंगू को स्पेस रिंग से बाहर ले आता है। हालांकि जॉन को नहीं पता था कि क्या वो उन्हें इस तरीके से अंदर ले जा सकता है या नहीं, लेकिन जॉन को कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल या खतरनाक होने की चिंता थी, कम से कम लेई जी के साथ ये सेफ तो रहेंगे। जॉन उन्हें अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहता था, जिसके बाद जॉन तुरंत कहता है, चलो चले। और जॉन लेई भाई की तरफ देखता है और लेई भाई जॉन की कमिटेड बिहेवियर को देखता तो कुछ नहीं कहता और उन तीनों के हाथों के जो थंडर क्रिस्टल होते हैं हवा में आ जाते हैं और डार्क रेड कलर में साइन होने लगते हैं और तीनों ही क्रिस्टल एक रोड के साथ टकराते हैं। साथ ही लेई भाई के थंडर वोल्ट के साथ तीनों ही क्रिस्टल एक साथ जुड़ गए होते हैं और तीनों क्रिस्टल जुड़कर एक में बदल जाते हैं, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, आइए एक साथ मिलकर अटैक करें और इस क्रिस्टल को चार्ज करें। जो सुनकर जॉन तुरंत ही अपने थंडर सी को अपीयर करता है और उसे थंडर पावर में बदलकर थंडर क्रिस्टल के अंदर डालने लगता है। दूसरी तरफ जहाँ तक बलकरी का सवाल था वो एक तरफ खड़ी हुई होती है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे उसका कोई भी एक्शन लेने का इरादा हो। तभी बलकरी तुरंत ही कहती है, क्या आपकी लाइटिंग पावर पर्याप्त नहीं है? क्या ये शर्म की बात नहीं कि आप चाहते हैं कि मैं एक्शन लूँ? और लेई भाई की तरफ देखती है, जो देखकर लेई भाई थोड़ा सा हेल्पलेस तरीके से स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि आप एक साथ नहीं हैं, हालांकि मैं इसे अकेले भी कर सकता हूँ लेकिन अगर हम सभी लोग मिलकर करेंगे
तो इसमें कम से कम अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन की फीलिंग तो दिखाई देगी। कोई सरप्राइज की बात नहीं कि क्वीन आपको दोबारा ऐसा मौका नहीं देंगी, क्योंकि वास्तव में आपकी जो मेमोरी है और फीलिंग्स है ये वास्तव में कम है, ऐसा कहते लेही भाई गुस्से में कहता है। और जैसे उसने ये कहा था, बलकर लेही भाई के थोबड़े में थप्पड़ जड़ देती है, जो देखकर लेही भाई तुरंत ही दर से चीख उठता है। तभी वर्करी तुरंत कहती है, अगर तुमने दोबारा कुछ भी ऐसा कहा तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। और वर्करी की बॉडी से एक किलिंग इंटेंट निकलती है और एक पल के लिए जोयान को भी डर लगता है इतने स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट से। तथी लेही भाई के सिर पर हल्का सा ग्रीन कलर का उभार सा आ गया होता है, जिससे दर्द में वो भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। जिसके बाद लेही भाई के थप्पड़ के बाद बलकरी के थप्पड़ के बाद लेही भाई तुरंत ही अपनी वेंस को ओपन करके स्ट्रॉन्ग लाइटिंग पावर को शो करता है, जो इतनी पावरफुल थी कि जोयान वो खुद हैरान हो गया होता है। और इस पावर के आते ही ये तीनों थंडर क्रिस्टल एक साथ ही कम्प्लीटली चार्ज हो गए होते हैं और एक धमाके के साथ इनसे तेज लाइट निकलती है, जो एक जगह की तरफ जाने लगती है। और इस लाइटिंग पावर ने जॉन को तुरंत ही दूर कर दिया होता है, जिससे जॉन को उम्मीद नहीं थी कि लेही भाई के पास इतनी स्ट्रॉन्ग थंडर पावर होगी। तभी जॉन को पता चला था कि बलकरी ने क्या कहा और क्यों कहा। इससे पता चला कि लेही भाई का जो थंडर है वो पहले से एक थंडर हार्ट है, और ऐसा लग रहा था कि वो डिस्ट्रक्टिव हेवनली थंडर के लिए नहीं था, बल्कि वो इस जगह के एशियंट इमॉर्टल डेमन वर्ल्ड के लोगों के लिए था। और इन दोनों की पावर के बारे में कोई शक की जरूरत नहीं थी कि वे इस बार सफल हो सकते हैं या नहीं, लेकिन ये लेही भाई की मदद पर डिपेंड करता है कि जोयान क्या वो सेफली अंदर तक जा सकता है। साथ ही थंडर क्रिस्टल में ब्लास्ट के बाद स्पेस अचानक ही क्रैक हो गया था और एक वर्टेक्स वहाँ पे अपेयर हो गया था, जिससे एक तेज सक्शन फोर्स निकलता है। साथ ही सरप्राइजिंगली ये वो अलग प्लेस था जहाँ पे टाइम और प्लेस अलग था, जिसके बारे में लेही भाई ने कहा था। साथ ही वाइट डिस्ट्रक्टिव हेवनली थंडर उनमें से एक था। साथ ही ये वर्टेक्स धीरे धीरे स्पेस में क्रिएट हो रहा था, और अगर आप ध्यान से देखें तो इस वर्टेक्स के चारों तरफ ब्लैक थंडर बोल्ट साइन हो रहे थे, जो थंडर पैलेस में मौजूद थंडर बोल्ट से एकदम अलग थे। और इन थंडर बोल्ट के अंदर ऑब्वियसली वाइट डिस्ट्रक्टिव हेवनली थंडर का भी सोर्स था, जो देखकर जॉन कहता है कितनी पावरफुल थंडर है। और लेही भाई भी इसे महसूस करते अपनी भुजा चढ़ा लेता है, यहाँ तक कि जॉन भी काफ़ी हैरान था। हालांकि इसे स्पेस वर्टेक्स को घूमता हुआ देखकर जॉन पहले से ही मेंटली प्रिपेयर था, और उसने इस चमकते हुए ब्लैक थंडर बोल्ट को भी महसूस किया था, और उसके शरीर में 70,000 स्क्वायर मीटर का जो थंडर सी था लकीली उसकी मदद से जो जॉन अंदर जाने के लिए तैयार था। साथ ही उसके पास हार्ट ऑफ फ्लेम भी थी, इसलिए वो इस ब्लैक थंडर से निकलने वाले डिस्ट्रक्टिव ऑरे का सामना कर सकता था। साथ ही अपने हाथ के एक झटके के साथ लेही भाई जुड़े हुए क्रिस्टल्स को अलग कर देता और ये फिर से तीन में बदल कर एक एक सभी के पास आ जाते हैं, और हर कोई इसे रख लेता है क्योंकि ये थंडर क्रिस्टल अभी भी यूजफुल हो सकते थे, इसीलिए इन्हें अभी भी एक दूसरे की देखभाल की जरूरत थी। और ऐसा कहते हुए लेही भाई बलकरी की तरफ देखता है। दूसरा बलकरी तो हल्के से कोल्ड वे में खांसते हुए मामले को साइड कर देती है और कोई भी रिप्लाई नहीं करती, और आगे बढ़ते हुए स्पेस वॉर्टेक्स के अंदर कूद गई होती है, जिसके बाद उसकी फिगर पूरी तरीके से यहाँ पे गायब हो जाती है, जो देखकर लेही भाई तुरंत ही कहता है हद है यार, इसका दिमाग तो घुटनों में भी नहीं है। जिसके बाद वो जॉन की तरफ देखते हुए कहता है चलो चलते हैं, उसकी बात का बुरा मत मानना, उसके पास दिमाग नहीं है। जो देखकर जॉन हेल्पलेस तरीके से स्माइल करता है और लेही भाई का पीछा करते हुए स्पेस वॉर्टेक्स के अंदर कूद जाता है। साथ ही लेही भाई जॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी थंडर पावर को शो करता है। लेही भाई को नहीं पता था कि इस समय उसके जॉन को प्रोटेक्ट करने के जो ये काम है फ्यूचर में एक इमॉर्टल को तैयार करने के काम जैसा था। साथ ही इस टाइम पे तो जॉन को लगभग चक्कर सा आ रहा होता है, क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक ही जॉन की आंखें चमकने लगती है और तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ जॉन के कानों में पड़ती है, और जॉन अपने सामने अनगिनत थंडर बोल्ट्स को देखता है। तभी लेही भाई तुरंत ही कहता है मेरे पीछे आओ, अगर यहाँ के थंडर बोल्ट्स तुम्हारे ऊपर अटैक करते हैं तो तुम हैवीली इंजर्ड हो जाओगे। और लेही भाई की जो पावर होती है वो ऑब्वियसली जॉन के चारों तरफ फैली हुई होती है। साथ ही बलकरी जो उनके बीच में खड़ी हुई होती है, जब उसने चारों तरफ देखा होता तो उसकी आंखें सिकुड़ गई होती है। वो तुरंत ही कहती क्या वास्तव में इमॉर्टल मॉन्स्टर बर्ड के एशियंट लोग यहाँ पे बचे हुए हैं, और अपनी निगाहों का पीछा करते हुए वो बड़बड़ाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने इस जगह पर कुछ सुराग देखे थे, जिसके बाद बलकरी तुरंत ही कहती चलो चले, और इतना कहने के बाद वो रेनबो में बदल गई होती है और उस जगह की तरफ उड़ गई जहाँ पे काफ़ी सारे थंडर बोल्ट थे। जिसके बाद लेही भाई सिर हिलाता है और जॉन समझ गया होता, और दोनों ही लोग उस जगह पर जाते जहाँ बलकरी गई थी। हालांकि टाइम एंड स्पेस उतना बड़ा नहीं था, और नीचे से अगर आप चारों तरफ देखें तो पूरा ही स्पेस एक महासागर जैसा था, लेकिन अगर आप क्लोज जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें पानी नहीं बल्कि थंडर बोल्ट हैं, जिनसे मिलकर यह बना हुआ है। अति खतरनाक थंडर बोल्ट पागलपन से चारों तरफ बरस रहे होते हैं, और जॉन और बाकी के लोगों की फिगर थंडर बोल्ट में कहीं रुक गई होती है, और उनके सामने हवा में लटकी हुई काफ़ी सारी पहाड़ियाँ थी, और ये सभी पहाड़ियाँ लोहे के लॉक से बंधी हुई होती हैं, और लगभग किनारे से देखने पर इनमें 100 लोहे के ताले होते हैं, और अंत में एक ब्लैक सन होता है, और ये सभी आयरन लॉक ब्लैक सन की तरफ इशारा कर रहे थे, यानी कि आप इन्हें केवल तभी देख सकते हैं जब आप ब्लैक सन की तरफ जाते हैं। जो देखकर सभी लोग और जो है क्या
क्या ये वाइस डिस्ट्रक्टिव हेवनली थंडर है? और उस ब्लैक सन को देखते जॉन पूरी तरीके से सोच में पड़ गया था, क्योंकि जॉन ने हार्ट ऑफ फ्लेम को पाया था, इसलिए जॉन जानता था कैसी डिवाइन चीज ही ऐसे काम कर सकती है। हालांकि जो ब्लैक सन था यह पागलों की तरह बड़बड़ा रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहा होता है, खासकर जॉन और बाकी लोग के आने के बाद। इस सन के अंदर का जो फ्लक्चुएशन था वो और फास्ट हो गया था, लेकिन अचानक ही इन पहाड़ियों पर लगी जो आयरन लॉक चेन होती है वो सीधी हो गई होती है, जिससे बेचैन करने वाला ये जो सन होता है वो वापस से शांत हो गया होता है। जो देखकर लेई भाई तुरंत ही कहता, डैम इट, इमॉर्टल मॉन्स्टर बर्ड के एशियंट लोग हमारे सेनेक्सी बर्ड की एसेंस डिवाइन ऑब्जेक्ट को कैद करने की हिम्मत करते हैं। लेई भाई का तो अब पारा सातवें आसमान में चला गया होता है, और दूर से देखते हुए ये ब्लैक सन पहले से ही बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि हजारों फीट बड़े लाइटिंग सन की तरह लग रहा था, जिसमें ब्लैक थंडर बोल्ट साइन हो रहे थे। और जॉन ने हार्ट ऑफ फ्लेम को देखा था, लेकिन उसने कभी हार्ट ऑफ थंडर को नहीं देखा। ये पहली बार था जब उसने फर्स्ट टाइम थंडर ऑफ हार्ट को देखा था, और इन्हें देखते हुए जॉन अपने दांतों तले उंगलियां दबाने से बच नहीं पाता। जॉन हजारों फुट के थंडर सी को झुलाती हुई आंखों से देखता है, और उसके सामने फैली हुई मोटी पावर को, जिससे जॉन को अपनी बॉडी पे कपकपी महसूस होती है। उसे ऐसा लग रहा था जिससे इसका एक थंडर बोल्ट ही उसे पूरी तरीके से मिटा देगा। तभी लेई भाई तुरंत ही कहता, ऐसा लगता है कि एक तरफा कारावास नहीं है। जब इमॉर्टल मॉन्स्टर एशियंट वर्ल्ड ने वाइट डिस्ट्रक्टिव हेवनली थंडर को कंट्रोल करने के लिए आयरन लॉक्स का यूज किया, तो वाइट थंडर ने भी इन लोगों को यहाँ पे कैद करने के लिए उन्हीं आयरन लॉक्स का यूज किया है। साथ ही डिवाइन ऑब्जेक्ट के लिए इम्पॉसिबल स्ट्रॉन्ग होना, लेकिन लोगों की बात अलग है। अनगिनत सालों के बाद वो चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वे यहाँ डिस्ट्रॉ हो जाएंगे और गायब हो जाएंगे। और ऐसा कहते हुए लेई भाई थंडर सन को देखता है, और कुछ देर तक फोकस होने के बाद धीरे से कहता है, जिसके बाद वो तुरंत कहता है, आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या आपको स्ट्रेटजी बनाकर आई है? और वो ऑब्वियसली बलकरी से पूछ रहा था, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तभी बलकरी तुरंत ही कहता है, सभी को और सभी के सभी मामलों को सॉल्व करो, ये इतना आसान है। और बलकरी दबंग तरीके से कहती है, जो देख कर लेई भाई तुरंत ही कहता है, क्या होगा अगर मैं उन्हें नहीं हरा सकता? और जैसे ही वो बोलना समाप्त करता है, वल्करी फिर से अपने सिर को घुमाकर एक कोल्ड ब्लड वाले क्रूअल बीस्ट की तरह लेई भाई की तरफ देखते हुए कहती है, मार डालो, उन सभी को मार डालो। जो देख कर लेई भाई कहता है, मैं जा रहा हूँ। तो सब जो यान हैरानगी से देख रहा होता है, कैसा लौंडा है, दो मिनट में बदल जाता है। जॉन को ऐसा लग रहा था इनकी बातों और पावर का किसी बर्ड से रिलेशन था ही नहीं, इन्हें किसी चीज़ से कोई डर ही नहीं था भाई। दूसरे जो है इनको भी यहाँ पे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी, केवल ऐसे थंडर हार्ट के अलावा। जैसे ही लेई भाई चिल्ला रही थी, जैसे ही लेई भाई चिल्लाता है, अचानक दूर से काफ़ी पावरफुल प्रेशर आता है, जिससे जॉन को तुरंत ही उसकी चेस्ट पे हल्की सी जकड़न फेल होती है। जबकि लेई भाई और वल्करी दोनों ही दूर की तरफ चले जाते हैं, और इसके बाद ये लोग 10+ पहाड़ियों पर एक फिगर को खड़ी देखते हैं। ये सभी पहाड़ियों पर खड़े थे और जॉन बाकी लोगों को दूर से देख रहे होते हैं। जो देख कर लेई भाई तुरंत ही कहता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दूसरे बलकरी भी साइड में अपने कदम को आगे बढ़ाती है, और उसकी बॉडी का जो ब्लैक क्लॉथ होता है वो टूट जाता है, और उसकी रियल बॉडी सबके सामने आती है, और उसके ब्लैक कपड़ों के बिखरते जॉन और लेई भाई हैरान हो गए थे, क्योंकि बलकरी ने मून व्हाइट ब्रेस्ट प्लेट पहना होता है, जिसमें चेस्ट का एक स्नो व्हाइट बड़ा एरिया दिखाई दे रहा था। हालांकि उसकी फिगर नॉर्मल लड़कियों के जैसे अट्रैक्टिव नहीं थी, और भले ही उसकी बॉडी की ज़्यादातर बॉडी पार्ट देखे जा सकते थे, तक कि जब वो चलती थी तो उसके मेरिडियंस को भी साफ साफ देखा जा सकता था, लेकिन उसके अंदर की जो पावर थी वो अभी भी अनबिलीवेबल और डिस्ट्रक्टिबल थी। हालांकि एक लड़की की कमर पतली होनी चाहिए, लेकिन बलकरी की कमर के ऊपर उसके लोहे जैसी स्ट्रॉन्ग मेरिडियंस को देखा जा सकता था। साथ ही उसके पास बहुत ज़्यादा आर्मर या वैरियर नहीं थे, साथ ही वो ऐसा सोचती है जैसे कपड़े उसके लिए एक बोझ हो, और वो जो चाहती है वो एक स्ट्रॉन्ग पावर। तभी वो तुरंत ही कहती है, ले भाई मेरे पीछे आओ और उन्हें मार डालो, अगर तुमने पीछे हटने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ऐसे कहते हुए बलकरी सीधे ही अपने सिर को घुमाती है, और ब्राउन ब्लू आई के साथ हल्के से रेड ऑरे के साथ वो लेई भाई को देखती है। जो देखकर तो लेई भाई का बॉडी ही काम क्या होता है, और वो तुरंत ही से हिलाते हुए बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करता, जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, अपने आप को सेफ रखें, हमारा टारगेट उनसे छुटकारा पाना है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप अभी दूर रहें, जब हम उनसे छुटकारा पा लेंगे तो वाइट डिस्ट्रक्टिव हेवनली थंडर को प्राप्त करने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। और इतना कहने के बाद लेई भाई जॉन को चेतावनी देता है, और ये दो रेनबो में बदलकर तेजी से आगे की तरफ बढ़ गए होते हैं पहाड़ियों पर खड़े हुए ग्रुप्स की तरफ। साथ ही उन्होंने हर पहाड़ी पर एक फिगर देखी थी, और उस फिगर के पीछे दर्जनों खड़ी हुई फिगर्स जो बिना किसी डर के उन दो लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देख सकती थी। और ऐसा लग रहा था कि अब एक खतरनाक इंटेंस बैटल स्टार्ट होने वाली है। तभी बलकरी के लेफ्ट हैंड में एक स्पेयर दिखाई देता है और राइट हैंड में एक स्लॉट, और वो अपने स्पेयर को घुमाते हुए पलक झपकते ही उसे एक व्हिप में बदल देती है, और उसकी स्लॉट को अचानक ही वो एक चाकू में। ये कहा जा सकता था कि बलकरी के पास 18 टाइप के वेपन्स थे जो सभी उसके हाथों में दिखाई दे रहे थे, और वो हर एक वेपन को चलाने में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट थी,
और कोई भी उसे आसानी से टक्कर या कि हरा नहीं सकता था। जहाँ तक लेई बाई की बात है, उसके पास दोनों ही फिस्ट पर ब्लैक गोल्डन पंच का एक सेट होता है, और जब वो फिस्ट अटैक करता है तो न केवल एक तेज साउंड वेव रिलीज होती है बल्कि पावर भी काफी ज्यादा हैरान करने वाली होती है। और जॉन उनके ठीक पीछे था और अपने ऑरे को छिपाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर रहा था और इस फाइट को देख रहा होता है। साथ ही बलकरी और लेई बाई को देखते हुए, हालांकि जो यान को उनकी स्पेशल ताकत का पता नहीं था, लेकिन ओरिजिन को स्टार्स की बैक ग्राउंड को देखते उसने देखा था कि दोनों के ही स्टार्स 100 मिलियन के क्रॉस जा चुके हैं, और कहने की जरूरत नहीं थी कि उनकी रियल पावर कम से कम 8 स्टार फाइटिंग गॉड के ऊपर थी, इसलिए वो लोग इस फाइट को सॉल्व कर सकते थे, जो जियान की प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ ऑब्वियसली मैच नहीं खाती थी, और अगर वो आगे बढ़ता है तो वो केवल तोप के चारे की तरह होगा। फाइट के दौरान जियान हेवनली थंडर को देखता है। जियान ने देखा था कि जो ब्लैक सन था उसने लगभग आधे एरिया को कब्जे में ले रखा था, जिसमें खतरनाक थंडर बोल्ट थे। तभी एक आवाज आती है, मास्टर की ब्रीथ, और जैसे ही जॉन के कान में ये आवाज आती है, जॉन काफी हैरान होता है। तो ठीक है थ्रियन फैमिली, इसके साथ ये वीडियो अब यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो बाय बाय थ्रियन फैमिली, गुड मॉर्निंग।